अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत कीमती है और जिसमें नफलों का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है। तो आज हम आपसे बताएंगे तहज्जुद की नमाज के मुताल्लिक। इस महीने में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना आम दिनों के मुकाबले में और आसान हो जाता है, इसलिए कि हम और आप रोज़ा रखते हैं तो सहरी में जब उठते हैं तो अगर उस उठने से कुछ देर पहले उठ जाए और फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़े तो मज़ा ही इबादत का कुछ और है। और हमें तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी भी चाहिए, इसलिए कि तहज्जुद की फजीलत बहुत ज़्यादा है। और ये समझ लीजिए कि फ़र्ज़ नमाज के बाद नफलों में सबसे ज़्यादा जो फजीलत वाली नफल नमाज है वो तहज्जुद की नमाज है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद नफल में सबसे ज़्यादा फजीलत वाली जो नमाज है वो तहज्जुद की नफल नमाज है। तो हम जो है तहज्जुद में सहरी में जब उठते हैं उससे कुछ वक्त पहले उठ जाए और तहज्जुद की नमाज ज़रूर पढ़े। अपनी हाजतों को, अपनी मुश्किलों को, अपनी ज़रूरतों को अल्लाह के सामने रखिए। और फिर इस महीने में अल्लाह तबारक व ताला फ़र्ज़ों का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर कर देता है और नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर देता है। तो देखिए कितनी बड़ी फजीलत है इस महीने में नफल नमाज पढ़ने की, और ये तो वैसे भी तहज्जुद की नमाज है। अब मामला ये आता है कि नियत तहज्जुद में हम किस तरह करें। तो असल नाम है नियत दिल के इरादे का। जब आपने दिल से इरादा कर लिया मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ तो बस यही काफ़ी है। लेकिन अगर आप ज़बान से भी कहना चाहते हैं, आपको तसल्ली तब मिलेगी जब आप ज़बान से कह लेंगे, तो आप ज़बान से भी कह सकते हैं कि मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज तहज्जुद। ये 4 रकात की आप नियत करना चाहते हैं, मैं नियत करती हूँ, नियत करता हूँ 2 रकात नमाज तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के। इस तरह भी सिर्फ नफल का जिक्र करना ये कहना कोई ज़रूरी नहीं है, और असल ज़बान से भी कहना कोई ज़रूरी नहीं है। नियत नाम है दिल के इरादे का। और अब हम कितनी रकातें पढ़ें, कम अज़ कम 2 रकातें और ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकातें। लेकिन हमें रमज़ानुल मुबारक के महीने में तो ये ज़रूर पढ़नी चाहिए, इसलिए कि रमज़ान में हमारे लिए और भी आसान हो जाता है कि हम रोज़ा रखते हैं, सहरी में उठते हैं, और सहरी में जब हम उठे तो अपने वक्त में थोड़ी सी और तब्दीली कर ले कि वक्त से कुछ देर पहले उठ जाए और तहज्जुद की नमाज़ पढ़े। आप पाबंदी से पढ़िए और अल्लाह के सामने दुआ कीजिए, अपनी हाजतों को रखिए, अपनी मुश्किलों को रखिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आपके लिए शामिल हाल होगी, अल्लाह की रहमतें आप पर निछावर होगी। तो हम सब मिलकर तहज्जुद की पाबंदी करें। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये कही गई कुछ बातें आपकी समझ में आ गई होगी। हमारी आप इस क्लिप को ज़रूर शेयर कीजिए।